कल 7 मई को लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले रायपुर में मतदान दलों को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव आयोग के कैलेंडर के हिसाब से आज टीमों को रवाना किया गया है। हमारे 2 केंद्रों में से 7 विधानसभा के लिए मतदान दलों को हमने रवाना किया है। 1796 टीम को रवाना किया जा चुका है। मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है। हाँ, वो तो भाई इलेक्शन कमीशन का जो कैलेंडर है उसके हिसाब से आज टीमों को रवाना करना है। हमारे 2 केंद्र हैं, बीटीआई और सेजबहार, जहां से 7 विधानसभाओं के लिए हम लोग आज लोगों को भेज रहे हैं। पूरी तैयारी है, कहीं कोई विषय नहीं है। तो कितनी टीम है? आज हम लोग लगभग 1796 टीम को यहां से रवाना कर रहे हैं। सर, हमारे जिले में कोई सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव टीम है क्या, उसके लिए क्या तैयारी? देखिए, सेंसिटिव में 3 बूथ्स वो है, वैसे कोई ऐसा कोई हाइपर सेंसिटिव नहीं है। कई क्राइटेरियाज होते हैं सेंसिटिव के, उसमें 3 बूथ हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने हिसाब से जहां पर ज्यादा मतदान केंद्र हैं या जहां पर ज्यादा भीड़ आती है या कभी कुछ ऐसा इतिहास रहा है उनको किया है। फिर कुछ नई तैयारियां भी हैं क्या? नई तैयारियां नहीं है। हमारे जो कर्मचारी जा रहे हैं उनके लिए एक सुखद अनुभव रहे ये चुनाव कराना, उसके लिए हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे प्रयास किए हैं। जैसे यहां पर, जैसे इस बार में आप देखेंगे, पहले एक टॉयलेट का एक इश्यू होता था तो हमने परमानेंट 50 टॉयलेट का एक कॉम्प्लेक्स बना दिया है, जिससे भविष्य में भी कभी कोई निर्वाचन होगा तो हमारे कर्मियों को कोई समस्या नहीं होगी। 10-12 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां पानी, नींबू पानी लगातार लोगों को मिल रहा है। चूंकि इस बार 3 BU थे इसलिए अलग से एक स्पेशल बैग बनवाया गया है कि 3 BU और CU एक साथ ले जा सकें। महिलाएं हमारे ही बहुत थीं इसलिए हमने जो लगेज ट्रॉली होती है वो भी उपलब्ध कराई है कि जिससे बसेज तक इजिली पहुंच सकें। धूप है चुकी, धूप न लगे इसलिए उनको सबको एक एक गमछा भी दिया जा रहा है। वहां पर बूथ पर कोई समस्या न हो इसलिए साबुन, ओडोमास, मच्छर अगरबत्ती, टूथपेस्ट, उसकी भी किट बना के दी गई है। साथ में ही हेल्थ को कोई इश्यू ना आए मेडिकल किट दी गई है जिसमें ORS है, ग्लूकोज है, इनो है, जो चीजें आवश्यक हो सकती हैं वो सब की गई हैं। साथ ही मतदान केंद्रों पर भी अगर आप देखेंगे तो हमने लगभग हर मतदान केंद्र पर छाया की व्यवस्था की है। स्थान की उपलब्धता को देखते हुए कम से कम 50 चेयर्स हर बूथ पे लगाई गई हैं और लाइन ही है, इस बार आप देखेंगे कि लाइन ही चेयर्स की बनी हुई है जिससे कि क्लियर भी हो जा रहा है कि कहाँ जाना है। साथ ही हर बूथ पर पानी की व्यवस्था है, नींबू पानी की व्यवस्था है, ORS कार्नर बनाया गया है, मेडिकल की भी टीम रहेंगी एक दो। तो इस प्रकार से जो सुविधाएं हम लोगों को दे सकते थे वो सब दे रहे हैं और आपके माध्यम से मैं सभी रायपुर के जिले से और रायपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आप लोग कल निकलें और मतदान किए बिना मत रुके। जैसे कि एक फिगर पे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि पिछले चुनाव में 6,07,646 लोग ऐसे थे जिन्होंने मतदान नहीं किया था, तो हम आपके माध्यम से उन लोगों से ये प्रश्न कर रहे हैं कहीं आप भी तो नहीं उसमें से हैं। तो इस बार इस नंबर को कम करना है और डाटा भी कहता है और ये माना भी जाता है कि शहरों में मतदान प्रतिशत कम रहता है। तो इस बार मैं रायपुर वासियों से निवेदन करता हूं और खासकर रायपुर के शहरी मतदाताओं से निवेदन करता हूं कि इस बार इस चली आ रही एक परंपरा को कि शहरी क्षेत्र में मतदान कम होता है इसको तोड़ें और कल भारी मात्रा में मतदान करें, इस देश के लोकतंत्र की मजबूती में अपनी भूमिका निभाएं। और जैसा कि चुनाव आयोग का टैगलाइन है, चुनाव का पर्व देश का गर्व, तो इस चुनाव के पर्व को पर्व की तरीके से सेलिब्रेट करें। मैं इस बात के लिए आभार भी देता हूं रायपुर के लोगों को कि इसको पर्व बना दिया है, वो चाहे व्यापारी हो, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हों, चाहे सामाजिक संस्थाएं हों, सब अपने स्तर पर मतदान प्रतिशत बढ़े इसके लिए लगे हुए हैं। कई व्यावसायिक संगठनों ने चुनाव के बाद उंगली दिखाने पर तमाम ऑफर्स की घोषणा की है, तो इससे लगता है कि अब हर व्यक्ति जुड़ गया है, तो इस बार हम रायपुर में भारी मतदान देखने को मिलेगा।